नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। इंदौर के नसिया रोड स्थित क्रिश्चियन कॉलेज में प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार का जन्मदिन बुधवार दोपहर को मनाया गया, जहां किशोर दा की याद में केक काटने के साथ ही उनके गीतों की प्रस्तुति के साथ आयोजन हुआ। भारतीय सिनेमा के दिग्गज गायक किशोर कुमार का 4 अगस्त को जन्मदिन है। मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे किशोर कुमार ने लगभग 1500 फिल्मों में गाने गाए, जहां पूरे देश सहित विदेशों में हरफन मौला गायक किशोर दा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। तो वहीं इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई करके फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले किशोर दा का कॉलेज परिसर में बुधवार को जन्मदिन केक काटकर व उनके निगमों की प्रस्तुति के साथ मनाया गया। आपको बताना चाहेंगे कि एक बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ किशोर कुमार एक लेखक, फिल्म निर्माता और स्क्रीन राइटर भी थे, लेकिन अपनी प्रोफेशनल जिंदगी की तरह ही उनकी निजी जिंदगी भी काफ़ी चर्चा में रही। इंदौर के नसिया रोड स्थित क्रिश्चियन कॉलेज में किशोर दा का जन्मदिन मनाया गया, जहां किशोर दा के फैन कहे जाने वाले इंदौर के गायक चिंतन बाकलीवाल आए। एक से एक बेहतरीन गानों की प्रस्तुति आदि आयोजन के दौरान कांग्रेस शहर के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल, विधायक संजय शुक्ला, तुम्हारा कांग्रेस नेता के यादव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने किशोर दा के जन्मदिन पर केक भी काटा और जमकर ठुमके भी लगाए। नमस्कार, हमारे पूरे देशवासियों को, हमारी मालवा की राजधानी इंदौर को और माँ अहिल्या की नगरी इंदौर, पावन इंदौर को, और मैं क्रिश्चियन कॉलेज से इस वक्त मैं आप सभी के सामने मुखातिब हूँ। और क्रिश्चियन कॉलेज जहाँ 1947 में किशोर दा ने अपनी शिक्षा ग्रहण करी थी, हालांकि उनको शिक्षा बहुत ज़्यादा, वो शिक्षा के प्रति रुझान नहीं रहता था उनका, वो तो गाना, गीत संगीत, इसी कॉलेज में वो अपनी टेबल पे तबला बजाते थे। और एक गाना आप सब लोगों को याद होगा, 5 रुपया 12 आना मारेगा भैया ना 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 ना, ये गाना यहीं से ईजाद हुआ, हमारे इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज से ही, जहाँ पर कैंटीन के अंदर बाबा की उधारी बढ़ गई थी 5 रुपये 12 आने की। और वो बम्बई में उनको इतना दादा मुनि यानी अशोक कुमार जी को फोर्स आता था कि 5 रुपये 12 आने 5 रुपये 12 आने, तो उन्होंने चलती का नाम घड़ी में ये गाना ही बना डाला। हमारे एकमात्र मेरे ख्याल से देश के अंदर ऐसे कलाकार हुए हैं जिनका जन्मदिन है किशोर दा का 92nd बर्थडे, जो एक्टर भी थे, सिंगर भी थे, परफॉर्मर भी थे, डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, लिरिसिस्ट भी थे, म्यूज़िक कंपोज़र भी थे। ऐसा मेरे ख्याल से शायद इस देश की पावन भूमि ने ऐसा कलाकार शायद न भूतो न भविष्यति कभी पैदा और जन्म नहीं दिया है। आज हम सभी गौरवान्वित हैं कि हम उसी पावन इंदौर और खंडवा नगरी के हैं जहाँ से किशोर दा का जन्म और किशोर दा ने शिक्षा ग्रहण करी। मैं किशोर दा का एक छोटा सा अनन्य सा भक्त हूँ और मैंने पूरे देश विदेश में किशोर दा के गानों को गाया। हाल ही में 3 साल पहले अभिषेक बच्चन जी के साथ में 5 शोज़ अमेरिका में किए, और मेरी हाल ही में कई पिक्चरें आई हैं, झूठा कहीं का और मोस्ट कॉमन बुड़बक। हाल ही में सुनील पाल जी की एक पिक्चर जिसके अंदर मैंने पूरा ट्रिब्यूट दिया हमारे कोरोना सफरर, जो कोरोना से जिनकी डेथ हुई है। जल्दी ही एल्बम की शूट इंदौर में होने वाली है और वो मूवी के अंदर रिलीज़ होगा। इसी प्रकार से आप मुझे भी चिंतन बाकी वाला मेरा नाम, और मैं अपने को ये कहता हूँ चिंतन बाकी वाला इंदौर वाले का सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं क्रिश्चियन कॉलेज के सभी पदाधिकारी, स्पेशली अमित डेविड सर, और सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, आज के ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार से किशोर दा का 92nd बर्थडे आ रहा है, 100 वर्ष होने को 8 साल बाकी हैं, लेकिन उतनी युवा होते जा रहे हैं हमारे किशोरदा और किशोरदा के गाने। आप उनके गानों को सुनते रहिए, गाते रहिए। इसी प्रकार से अपने देश के सभी कलाकार, चाहे किशोरदा हों, रफ़ी साहब हों, मुकेश जी हों, लता जी हों, आशा जी हों, जिन्होंने नाम रोशन किया है, सबको इसी प्रकार प्यार करते रहिए और मुझे भी इसी प्रकार से प्यार करते रहिए। थैंक यू।